एनिमेशंस उस वक्त अप्लाई की जाती हैं, यानी कि जो अगर आप टेक्स्ट के अंदर कोई स्टाइल्स लगाना चाहते हैं या आपने जो है डिज़ाइन अप्लाई कर लिया, ट्रांजिशन लगा दी और आप तहरीर के ऊपर कोई एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये तहरीर थी इसके ऊपर एनिमेशन लगाना चाहते हैं, आप क्लिक करें तो यहाँ पे जो ये एनिमेशंस कुछ इस तरह से आ जाएंगी। अगर आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो ये बहुत सारी एनिमेशंस आ रही, आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से शो होंगी। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं कि एनिमेशन लगाना चाहें, जैसे कि ये था, और इसी तरह अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसमें कोई एनिमेशन लगाना चाहें तो ये एनिमेशंस इस तरह से आ जाती हैं। जैसे ही हमारे पास डाटा है और इसके अंदर कोई एनिमेशन लगाना चाहें, और इसी तरह जो है मज़ीद अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं मज़ीद कोई एनिमेशंस देना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करें, ये एनिमेशंस इस तरह से आ जाएगी। और जैसे ही हम F5 प्रेस करते हैं तो ये जो है एनिमेशन सारी हमारे पास कुछ इस तरह से शो भी होती जाएगी ये वाली। तो जब भी आप यहाँ पर एनिमेशन अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से यानी कि हम इन्हें शो भी कर सकते हैं। और मज़ीद जो है नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पर ये एनिमेशन आ रही है, ये एनिमेशन थी या इसमें जो है ये एनिमेशंस और ट्रांजिशन भी था। अब अगर आपने एक एनिमेशन लगा दी और लगाने के बाद आप उसे चेंज करना चाहें तो आप जो है एनिमेशन पे आते हैं, यहाँ पे एक तो ये इफ़ेक्ट्स होते हैं, दूसरा होता है ऐड एनिमेशन, यहाँ पे अगर आप क्लिक करें आप उसे मज़ीद भी चेंज कर सकते हैं। इफ़ेक्ट के कलर अगर बैकग्राउंड में आ जाए तो ये भी लगा सकते हैं, और मज़ीद अगर ऐड एनिमेशन करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे ऐड एनिमेशन पे, और आप इस पर क्लिक कर दें तो जैसे कि ये सेकंड एनिमेशन है। अगर हम F5 प्रेस करते हैं तो ये जो था फर्स्ट एनिमेशन कुछ ऐसे आएगी और ये सेकंड आ जाती है। इसी तरह जो है मज़ीद अगर आप एनिमेशंस अप्लाई करते जाते हैं और अप्लाई करने के बाद अगर आप चाहते हैं यही जो एनिमेशन है बॉटम में आ जाए तो उसके लिए हम एनिमेशन पेंटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप इसको सिलेक्ट करते हैं, एनिमेशन पेंटर पर क्लिक करें और यहाँ पे जो है आप उस पर क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वो एनिमेशन अप्लाई हो जाएगी। और इसी तरह फिर एनिमेशन हमारे पास पैन होती है कि अगर आप इसके अंदर मज़ीद इफेक्ट्स या स्टाइल्स देना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आते हैं और आप इसको यहाँ पे आके जैसे कि टाइम इसका आ रहा है ये लगा सकते हैं, या जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं बाय वर्ड और आप यहाँ पर ओके कर देते हैं तो ये जो है कुछ इस तरह से यानी कि एनिमेशन अप्लाई हो रही हैं। मज़ीद ये डिटेल्स से हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर, या जैसे ये था अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं टाइमिंग है तो प्रीवियस कर सकते हैं, या जो है आप यहाँ पे आकर ये ऑब्जेक्ट्स लगा सकते हैं, या अगर आप बाय लेटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो होंगे कुछ इस तरह से यानी कि ये शो होती जाएंगी। ये बेसिकली एनिमेशन हमारे पास पेन था, और उसके बाद टाइगर्स है, ट्रिगर्स है, यानी कि ऑन क्लिक से करना चाहते हैं या काउंटेबल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद ये जो ड्यूरेशन होती हैं जितने टाइम में आप उसको प्ले करना चाहते हैं वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और विद प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस या ऑन क्लिक हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं स्लाइड्स के ऊपर। तो ये जो था हमारे पास ओवरऑल एक हमारे पास एनिमेशंस के हवाले से थी, और इसमें पहली कमांड हमने फिलहाल छोड़ी थी वो आप वैसे भी जानते हैं कि अगर आप प्रीव्यू करना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके जो है उसे प्रीव्यू कर सकते हैं।